नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की धमाकेदार एंट्री के बारे में। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी, नाम तो आपने सुना ही होगा और देखा भी जरूर होगा। मीडिया प्रेमी नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर न्यूज चैनलों पर नजर आते रहते हैं। इनकी अपनी पार्टी भी है। इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी AIMIM। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने देश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक तो हैदराबाद सीट, जहां से ओवैसी खुद उम्मीदवार थे और लगातार कई बार से जीतते आ रहे थे, इस बार भी जीत गए। दूसरी महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट और तीसरी बिहार की किशनगंज सीट। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश और प्रदेश की राजनीति ने कई रंग देखे। पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को प्रचंड जनादेश दिया। देश में जहां एनडीए को 358 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं सूबे बिहार की 40 में से 39 सीटों पर भी भाजपा और उनके सहयोगियों ने कब्जा जमा लिया। सिर्फ वो एक सीट थी जहां पर एनडीए के जीतने का सपना अधूरा रह गया, वो था सीमांचल का किशनगंज सीट। आपको बताते चले कि किशनगंज सीट मुस्लिम बहुल सीट है। 2009 और 2014 में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मौलाना असरारुल हक कासमी ने जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों कासमी साहब का निधन हो गया, तो कांग्रेस ने इस सीट पर अपने राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बना दिया। एनडीए की ओर से यह सीट जदयू को चला गया। जदयू ने इस सीट पर सैयद महमूद अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बना दिया ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने। अख्तरुल ईमान को किशनगंज के लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया, हालांकि ये वोट जीत में तब्दील नहीं हो सका। AIMIM ने हैदराबाद और औरंगाबाद सीटों पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन किशनगंज जीतने का उनका सपना टूट गया। यहां की जनता ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस पर ही भरोसा जताया, यानी कि कांग्रेस ने यहां जीत की हैट्रिक लगा दी। अगर हम बात करें चुनाव परिणामों की, तो मोदी लहर के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। यहां से जीत का परचम भले ही कांग्रेस ने लहराया हो, लेकिन MIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाकर दिलचस्प कर दिया था। इतना ही नहीं, इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें ओवैसी के उम्मीदवार ने बहादुरगंज और कोचाधामन, यानी कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर ली थी। वहीं एक और विधानसभा क्षेत्र अमौर में उन्होंने भाजपा जदयू उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल किए। किशनगंज लोकसभा सीट पर जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को 367,017 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू के उम्मीदवार को 332,551 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर आने वाले ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान भी 295,029 वोट लेते आए। और बताते चले आपको कि पहले से परेशान और हैरान बिहार के महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का यह बढ़ता जनाधार और भी ज्यादा परेशान कर सकता है।